एक बड़ी खबर सामने आ रही है पालघर जिले के वसई इलाके से, जहां एक कंपनी का बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई। वहीं धमाके के बाद लगी आग की चपेट में आने से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 8 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। इन24 न्यूज के पास जो जानकारी आई है उसके मुताबिक वसई इलाके में स्थित कॉस पावर इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का बॉयलर अचानक फट गया, जिससे आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगजनी की घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आनन फानन में आग बुझाने का काम शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग को आग बुझाने में सफलता मिली। हालांकि तब तक इसकी चपेट में आने से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे के बाद दमकल विभाग के कर्मियों ने घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना का एटीआर दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। वसई विरार शहर महानगर पालिका हद्दी के बाहर ये चंद्रपाड़ा ग्राम पंचायत है। इस चंद्रपाड़ा ग्राम पंचायत के अंदर कॉस पावर नाम की एक कंपनी है, जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के कारण उस जगह काम करने वाले 3 कर्मचारी जगह पे ही ख़त्म हो गए। 7 लोग घायल हुए और 7 लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। डिसॉल्व्ड एसिटिलीन सिलेंडर जो है उसका मेंटेनेंस का काम चालू था। जैसे प्राथमिक हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उसके मेंटेनेंस के लिए उस कंपनी से आदमी आए थे, उनका मेंटेनेंस का काम चालू था और उस दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है। अभी ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन हादसा इतना बड़ा था कि 3 जन जगह पे